ओम शांति। आज की तारीख है 19/2/23 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली। तो इस ज्ञान मुरली का शीर्षक है पवित्रता के दृढ़ वृत्त द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। तो मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा बोले, आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। संसार में सबसे महान और पूज्य किसको मानते हैं? जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, अर्थात पवित्र रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप तो सबसे महान हो, क्योंकि मुख्य आधार आपने पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। सभी संगम युगी कर्मधारी ब्राह्मण, सभी भाई बहने, सभी ने ये प्रतिज्ञा की है ना? तो बाबा आगे कहते हैं, किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना, अर्थात अपनी वृत्ति का परिवर्तन करना। तो दृढ़ वृत्ति को वो बदल देता है, तो वृत्ति में परिवर्तन आता है। इसलिए ही भक्ति में व्रत भी लेते हैं और व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना, और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से उसकी परहेज करना, उस व्रत को निभाना, माना प्रतिज्ञा जो कि उस प्रतिज्ञा पर चलना, चाहे खान पान की हो चाहे चाल चलन की हो, लेकिन दोनों का लक्ष्य वृत्त द्वारा वृत्ति को बदलने का है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति को श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? जो पवित्र रह पाए। आत्मा भाई भाई है, हम एक पिता की संतान आपस में भाई भाई हैं, ब्रदरहुड। इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। अब ये व्रत तो सभी को पक्का है ना? अच्छा, अब मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों को याद प्यार देते हुए कहते हैं कि चारों ओर की महान आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को सदा स्व को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य के लिए निमित्त बनाने की ऑफर करने वाली आत्माओं को सदा तीन बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे सतगुरु शिव पिता का वरदान। तो
तो वरदान देते हुए सतगुरु बोले, महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। बाबा कहते हैं कि महावीर अर्थात शस्त्रधारी शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन पर दिखाते हैं और शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, वाहन है श्रेष्ठ स्थिति और अलंकार है सर्व शक्तियां। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मुहूर्त बन बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला के द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। स्लोगन है, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।